यहाँ मेरा शाम का चाय चढ़ा हुआ है, चाय बना रही हूँ मैं शाम का। आज का वीडियो मेरा शाम से शुरू हुआ है, दिन भर का कोई शूट नहीं किया मैंने। आज चाय भी बना लूँगी, एक साइड मैंने दूध भी छान के रखा हुआ है तो दूध को भी गर्म करना है। शाम में दूध भी आ जाता है 5 बजते बजते, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों क्या, सब काम एक साथ होता है। इधर बर्तन साफ़ करके रखे हुए हैं, उसको भी मैं लगा देती हूँ, सूख गया है बर्तन रखे रखे तो उसको भी लगा देती हूँ। पानी रहता है उतना देर इसमें रहने देती हूँ, उसके बाद लगा देते हैं। देखिए बर्तन भी लग गया है, एक काम ये हो गया मेरा एक साथ में। और ये चाय के साथ मैं खाने के लिए मूढ़ी को थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, क्या बरसात का मौसम है, मूढ़ी थोड़ा सीमा सीमा लगता है, इसीलिए रोस्ट करके खाने में ठीक लगता है, ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ मेरा चाय भी बन जाएगा, एक तरफ मेरा मूढ़ी तैयार हो जाएगा, शाम के चाय के साथ खा लेंगे। यहाँ देखिए चाय भी मेरा बन के तैयार है, तो छान लेते हैं चाय को और सबको दे देते हैं। अभी चाय होने के बाद दूध भी गर्म हो जाएगा एक साइड यही, हाँ चाय सबको दे देते हैं, सबको इंतज़ार कर रहा है चाय का। दोनों टाइम चाय होता है मेरा, एक सुबह और एक शाम में। यहाँ देखिए मूढ़ी में मैंने समोसा मंगवाया था, वही मिला लिया है, मिक्स कर लिया है, ऐसे हम लोग खाते हैं। यहाँ टीवी देख रहे हैं बैठ के, वही सिद्धार्थ शुक्ला का आज न्यूज़ देखे हैं, उसी का मम्मी बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है देखने में। टीवी सीरियल देख रहे हैं वही आनंदी वाला में, उसी का वही सीरियल चला हुआ है। मैं सब्जी भी काट रही हूँ, टीवी भी देख रही हूँ, रोज़ यही करते हैं। यहाँ बैठ के मैं सब्जी उब्जी काट लेती हूँ टीवी देखते देखते। यहाँ सब्जी होने के बाद मैं जो सब्जी सुबह आके रखा हुआ था लाके, वही उसी को मैं लगा देती हूँ फ्रिज में। पहले का भी सब्जी रखा हुआ है तो दोनों को अलग अलग करना होगा, एक साथ नहीं रखना है। देखिए इसमें तो जगह नहीं होगा, इसको निकाल के रखना नहीं है, इसीलिए इसको मैं अंदर रख देती हूँ। अब भिंडी को बाहर छोड़ दूँगी कि सुबह बना लेंगे, एक दिन में कुछ नहीं इसका ख़राब होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ, रात के खाने में मैं बनाऊँगी कद्दू और चना दाल का सब्जी, उसका तैयारी मैंने करके रखा हुआ है, सब्जी वब्जी सब काट के रखा हुआ है। अभी सब्जी छोक देते हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी। 7 बज रहा है, 9 बजते बजते खाना पीना हो जाता है मेरा, 8 बजे रोटी बनाना शुरू। वो बनाते बनाते में मम्मी खा लेती है, बच्चे खा लेते हैं, मन होता तो हम लोग का लेट से होता है। मेरा आँख आज लाल हो रहा है पूरा, पता नहीं क्यों लाल पूरा हो रहा है, शायद हम पता नहीं क्यों, मेरा दवाई मंगवाना पड़ेगा अभी। यहाँ मैं सब्जी छोक देती हूँ, सब्जी के लिए मैंने कुकर में तेल चढ़ा दिया है। आ कुकर में सब्जी बना लूँगी तो जल्दी बन जाएगा, इसका ये नहीं कढ़ाई में बनाना ज़रूरी है, कुकर में भी बन जाता है अच्छे से। सब्जी का सब तैयारी कर
यहाँ मेरा सब्जी बन रहा है, मसाला भुना रहा है, पक रहा है, टमाटर उटर सब चीज़ मसाला उसाला मैंने डाल दिया है। वही सब मैं डालने के बाद इसमें मैं चना दाल धो के रखा हुआ है उसी को मैं डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें जो कद्दू काट के रखा हुआ है डाल दूँगी। यही है कि आप लोग जब वीडियो को नहीं देखते हैं तो उस पर क्लिक मत करिए, अगर वीडियो खोल लेते हैं तो उसको कम से कम 2-3 मिनट वीडियो को देखिए, 3-4 मिनट तो वीडियो कम से कम देखना ज़रूरी है आपको। ऐसे ही आप वीडियो खोलते ही कमेंट कर देते हैं तो ठीक नहीं है। मैंने जिसको सब्सक्राइब करके रखा है, जिसका भी वीडियो मेरे पास आता है उसका वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ। क्या है कि उम्मीद लगा के रखता है सब कोई कि हम ऐसे ही कमेंट कर देते तो ठीक नहीं रहता है, इसलिए मेरा यही है कि मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाई तो कम से कम आधा वीडियो तो देखती हूँ। वही आप लोग भी मेरे साथ ऐसे मत करिए, कम से कम वीडियो को आधा वीडियो देखिए, पूरा नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, आधा वीडियो तो कम से कम देखिए। यहाँ मेरा सब्जी भी हो गया है, इसमें मैं पानी डाल के कुकर बंद करके छोड़ दूँगी, आई पक जाएगा इसी में दोनों चीज़, चना दाल और यही कद्दू। सब्जी हो जाएगा तो एक साइड में आटा सान के रख दूँगी, लगा के रख दूँगी। आटा लगाने से पहले थोड़ा सूखा आटा निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं करती हूँ वैसे दिखा रही हूँ, ज़रूरी है कि नहीं। नमक भी डालते हैं हम लोग आटा में, वही आटा को लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। अच्छे से इसको मुखिया मार मार के लगाने से रोटी मुलायम होती है, अच्छी रोटी बनती है। आटा लगा के उसमें तेल लगा के छोड़ने से 10 मिनट आटा बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ देखिए मेरा आटा लगभग लग गया है, अभी रोटी बनाना बाकी है। केवल रोटी बनाने के बाद सबको दे दूँगी, बच्चों को भी भूख लगा हुआ है। सब्जी भी बन गया है मेरा, ये देखिए तेल या घी जो भी है वो आटा पे लगाना ज़रूरी है, मैं लगा देती हूँ। बन गया आटा, ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। यहाँ मेरा रोटी बनना शुरू हो गया है क्या बन भी गया है 2-3। रोटी बनने के बाद मैं सबको खिला भी दूंगी, दे देती हूँ खाना। पीयूष लक्की को भी देती हूँ, मम्मी को भी देती हूँ। क्या है, लक्की को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, उसको नींद भी आ रहा है, अब भूख भी लगा हुआ है। बच्चों को खिला देते हैं, मम्मी को खाना खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा काम करने के बाद मैं खाना खाऊँगी। पूरा काम ख़त्म होने के बाद खाना खाने में भी अच्छा लगता है, काम रहे तो खाना खाने का मन नहीं करता है। इस वीडियो का भी अब यहीं एंड करना है, क्या कि अभी बात नहीं हो पाया था उन कैमरा, इसलिए इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, आप भी आइए खाना खा लीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।